हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातों को जानेंगे ना जो आपने कभी सुना नहीं होगा, और आप सुनेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आप चौंक जाएंगे एकदम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ कंप्यूटर फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए और सुनने के लिए तैयार रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी यहाँ पे और जानने के लिए मिलेगी। मैं आपको आज कंप्यूटर के बारे में कुछ 30 अनकही बातों को बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप कंप्यूटर सीखने में इच्छुक रखते हैं या नहीं भी सीखने के इच्छुक रखते हैं, तो टेक्नोलॉजी को जान के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पहली बात है हमारी, आप जान के चौंक जाएंगे कि जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था ENIAC, उसका वजन जो होता था वो लगभग 27 टन का वजन होता था और 1800 वर्ग फुट का बड़ा था, इतना साइज लेता था, 1800 वर्ग फुट का साइज लेता था और लगभग 27 टन इसका वजन था। फैक्ट नंबर टू, पहला 1936 में एक रूसी व्यक्ति ने ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिसको पानी के अंदर भी चलाया जा सकता था। 1939 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना था। एक फैक्ट शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि जो कंप्यूटर माउस जो आप पकड़ के चलाते हैं ना, वो लकड़ी का भी बनाया गया था, जिसे बनाया था डग एंजल बार्ट ने, और ये बना था 1964 में। तो है ना ये चौंकाने वाली बात, शायद आप में से किसी को पता भी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि मुझे इस चीज के बारे में पहले से पता था। रैम के बारे में तो हर कोई जानता है, कंप्यूटर में रैम लगता है जिसको मेमोरी बोला जाता है। आपको पता है कि सबसे पहला जो 1 GB का जो रैम बना था, सबसे बड़ा स्पेस वाला, किसने बनाया था? नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ, इंटेल ने बनाया था। और कब बनाया था ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं है, ये 1969 में बना था। और कंप्यूटर में पहली बार इतना स्पेस वाला रैम बनाया गया था। हार्ड डिस्क के बारे में भी आप सब जानते होंगे, आपको पता है कि पहला हार्ड डिस्क जिसमें डेटा रखा गया था वो कब बनाया गया था? नहीं पता, ये बना था 1979 में, जो पहली बार हार्ड डिस्क को डेटा रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसमें केवल 5 MB डेटा ही स्टोर किया जा सकता था। जी हाँ, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी सिवाय बार्ट ऑफ इन्फोटेक यूट्यूब चैनल को छोड़ गए। आप सुन के चौंक जाएंगे, जो पहला हार्ड डिस्क था, जो 1 GB का हार्ड डिस्क था, ये कब अनाउंस हुआ था आपको पता है? ये 1980 में अनाउंस हुआ था 1 GB हार्ड डिस्क का, और इसका जो वजन था लगभग 550 पाउंड के आसपास इसका वजन था, और इसका जो कीमत था, आप कीमत सुन के पक्का है कि चौंक जाएंगे, उस वक्त उस जमाने में 1980 में इसकी कीमत $40,000 थी। जी हाँ, 1 GB हार्ड डिस्क की कीमत जो आजकल आपको मिल जाता है 5,000, 6,000, 7,000 में ना, एक समय में इसका $40,000, आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आज के समय में अगर वो हार्ड डिस्क होता तो कितनी कीमत होती और कितने लोग उसका इस्तेमाल कर सकते थे। कंप्यूटर मॉनिटर जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, ये भी 1980 में ही इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैक्ट है ना जो हम लोग को पता नहीं होता है, और मैं आप लोग के लिए ढूंढ के लेके आता हूँ। तो कृपया आप ना जरूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस टाइप का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, सब की जानकारी अगर आप लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पहली वेबसाइट कौन सी बनी थी, इंटरनेट पे जो पहली वेबसाइट बनी थी वो था info.cern.ch। ये पहली वेबसाइट जो लॉन्च हुई थी इंटरनेट पे, जिसको 1990 में बनाया गया था। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आप सबको पता होगा, आपको पता है कि हर महीने कम से कम 5,000 नए कंप्यूटर एंटीवायरस बनाए जाते हैं और बाजार में लॉन्च होता है। भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया था, पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था भारत में, उसका नाम था सिद्धार्थ। पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है स्वीडन, जहाँ पे 75% लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, 75% लोग। हमारे भारत में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप में से हर कोई ब्लॉग या वेबसाइट के बारे में तो सुने ही होंगे, जहाँ से आप काफ़ी अर्न कर सकते हैं अपना। अगर आप ब्लॉग के ऊपर सीरीज चाहते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका टॉपिक चुना जाता है, या किस किस टॉपिक पे ब्लॉग बनता है, कैसे उससे पैसा कमाया जाता है,
और बहुत सारे चीज़, अगर आप कन्फ्यूजन है कि मैं किस पे लिखूं किस पे नहीं लिखूं, ब्लॉग कैसे लिखूंगा, लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, कैसे पैसा कमाया जाता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दूंगा जिससे आप ब्लॉग से भी अपना अर्निंग कर सकते हैं। लोग आजकल ब्लॉग से कमाने वाले करोड़ों रुपया कमाने वाले महीना है भारत से हैं, आप सुन के चौंक जाएंगे। तो अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट बनाते तो आपको पता है कि इसमें एक डोमेन नेम होता है, और ये पहला डोमेन नेम क्या था आप में से किसी को पता है? पहला जो डोमेन नेम हुआ था वो था www.symbolic.com। जी हाँ, आपको एक बहुत ही अहम फैक्ट बात बताऊं कि यूएसए में जो मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर था उसका पासवर्ड पता है क्या था? 80, 80 था, और ये पासवर्ड 8 साल तक रखा गया था, इसको बदला भी नहीं गया था। वायरस के बारे में एक बड़ा फैक्ट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत लोग परेशान रहते हैं, सर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मैं कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करूँ? अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि सर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मैं कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करूँ, मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी वायरस होते हैं ना, ये वायरस होते नहीं है, ये वायरस बनाए जाते हैं। आप सुन के चौंक जाएंगे, ये वायरस पहले बनाती है कंपनी और फिर आपके सामने में एंटीवायरस लाके परोस देती है, ताकि जिससे आप क्या हो सके, आप उससे रिलेटेड कर सके, आप उसकी सामान को खरीद सके। तो हर महीने करीबन 6,000 वायरस बनाया जाता है कंप्यूटर को बिगाड़ने के लिए, और 5,000 एंटीवायरस बनता है उसको सुधारने के लिए। तो आप सोच लीजिए हम लोग का पैसा कहाँ जाता है और कैसे जाता है। सो HP का नाम तो आपने सुना होगा पक्का, माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम सुना होगा, और एप्पल तो हर कोई जानता है, माइक्रोसॉफ्ट सब इस्तेमाल भी करते हैं। ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है, लेकिन इन तीनों कंपनियों में एक बात कॉमन है, और वो बात है कि तीनों कंपनी जो स्टार्ट हुआ था वो गैराज से शुरू हुआ था, एक गैरेज में ये तीनों कंपनियों का स्टार्ट हुआ था, मतलब अलग अलग गैरेज में। HP जो स्टार्ट हुआ था एक अलग गैरेज से स्टार्ट है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक गैराज से जहां पे गाड़ियां बनती है उस गैराज से ये कंपनियों की शुरुआत हुई थी तीनों कंपनियों को। अब आप लोग कोई गैराज में बैठ करके शुरू मत कीजिएगा, करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिद्दत से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, सफलता आपको मिलेगी। कंप्यूटर के पिता कौन है? मुझे पता है कि आपको पता होगा, और जो लोग जानते हैं मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगी, बहुत आसान सा सवाल है, बच्चा बच्चा भी जानता है। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, या हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसका काम है आपको जवाब देना, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पहला कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था ना, मैं आपको बता दूं कि वो कंप्यूटर बिना रैम का था, पहला कंप्यूटर बिना रैम का चलता था जो हम लोग आज रैम इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट है, मैकिंटोश है, रेड हैट है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। लेकिन एक चीज है कि जितना भी सुपर कंप्यूटर है, 10 में से 9 सुपर कंप्यूटर जो चलता है वो चलता है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें चलता है। गूगल, फेसबुक, ये जितने जो हमारे टॉप लेवल के जो जितने भी ये सब ब्राउजर, ये जो कंपनियां हैं, ये सारा कंपनी का जो सर्वर है वो लिनक्स के ऊपर बेस है, क्योंकि लिनक्स सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसको हैक करना बहुत मुश्किल है। उसमें सबसे बड़ा खूबी है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कभी भी वायरस नहीं आ सकता है वो है लिनक्स। और आखिरी चीज मैं बताऊंगा, कंप्यूटर में आप जितने भी कलर देखते हैं, जितना भी कलर आप देखते हैं, ये सारे कलर आपको लगता है बहुत सारा मल्टी करोड़ों अरबों कलर है, लेकिन नहीं, ये मात्र 3 कलर से मिलकर बनता है जितना भी कलर आपको दिखता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू जो 0 to 255 कोड होता है, 0 से 255 तीनों में होता है, और ये 3 कलर मिलकर के कंप्यूटर का सारा कलर आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स थी जो आपने शायद पहली बार सुना होगा। अगर आपको पहले से पता था तो आप कमेंट में जा करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मैं पहले से जानता था। और अगर आप नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए।
और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 95% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।